हेलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मैं बता दूं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने मिलेगा, भारत का शेक्सपियर कहा गया है। ऑप्शन है धन्वंतरी को, कालिदास को, बाणभट्ट को, या इनमें से कोई नहीं। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा गया है, एंड द राइट आंसर इज कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है कन्नौज, उज्जैन, थानेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर सो हो जाएगा फ्रेंड्स, तब तक आप इसका आंसर बताइए, हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी। सही जवाब हो जाएगा थानेश्वर, ठीक है, कहाँ, थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगभग ये सभी एग्जाम में पूछता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार, बंगाल, असम, या फिर पंजाब। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, सही जवाब हो जाएगा ये बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। क्या होगा सही जवाब, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तत्शिला, विक्रमशिला, मगध, या फिर नालंदा। आंसर सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब हो जाएगा नालंदा, ठीक है, याद रखिएगा नालंदा में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। ऑप्शन आपके सामने रहा, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, या फिर हुमायूं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। आईने अकबरी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन रहा फैजी, खफी खान, अबुल फजल, या इनमें से कोई नहीं। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल है, कौन है, अबुल फजल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, 1106 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा इसका, सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका तैयारी, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए जीके जीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, सही जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी में, याद रखिएगा 1206 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन हरिहर, बुक्का, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ये रहा मोहम्मद शाह प्रथम, दाऊद प्रथम, हसन गंगू, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यही वो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।